और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम इनर ज्वाइन के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे आप इनर ज्वाइन कमांड जो है वो MySQL में कहाँ पे यूज करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो बेसिकली ज्वाइन से ही आपको पता चल गया होगा, ज्वाइन बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम को अगर आप आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। काफ़ी सारी ज्वाइन से रिलेटेड कमांड्स हैं जिसमें आपके पास इनर ज्वाइन आ जाता है, इसके अलावा लेफ्ट आउटर ज्वाइन आ जाता है, राइट आउटर ज्वाइन आ जाता है और फुल आउटर ज्वाइन आ जाते हैं। तो हम एक एक करके इन सब ज्वाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इनर ज्वाइन के लिए मैं जो है सबसे पहले अपना जो है तो PHP एडमिन ओपन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फंक्शन है। तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर के नाम से एक जो है तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। अब बेसिकली ज्वाइन का फंक्शन ही होता है कि आप चाहते हैं कि आपके पास दो डिफरेंट टेबल हैं और उन टेबल में से कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो आप आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं जब सर्च करें, तो ताकि जब सर्च करें तो उसमें जो दो डिफरेंट आपके पास कॉलम्स आएंगे, दो डिफरेंट टेबल्स के डिफरेंट कॉलम जो आएंगे वो आपस में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो टेबल होगा उस टेबल से रिलेटेड आपने जिस कॉलम को ज्वाइन करना है तो उस कॉलम उस टेबल के कॉलम को आपने इन दोनों को जो है तो यूनिक रखना है, मीन एक ही नाम इनको देना है, एक ही नाम होगा, एक ही फील्ड होगी, तो तब जाके ये ज्वाइन काम करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए मैं दो सबसे पहले जो है तो मैं यहाँ पे डिफरेंट टेबल बनाता हूँ। तो टेबल बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करूँगा और सबसे पहला जो टेबल मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ और टेबल का नाम दूंगा मैं यहाँ पे सबसे पहले एक दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोर्सेज के नाम से, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम में देता हूँ 2 और इसको मैं यहाँ से गो कर लेता हूँ। पहले कॉलम जो है वो मेरे पास होगा ID के नाम से और दूसरा मैं यहाँ पे देता हूँ नेम के नाम से। इसको यहाँ से जो है तो मैं प्राइमरी की सेट कर लेता हूँ, इसके लिए प्राइमरी की मैंने सेट कर ली और ओके। यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वार्चर सेलेक्ट करता हूँ और इसको लेंथ दे देता हूँ 20 की, ओके। इसको सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुका है और अब यहाँ पे मैंने इसमें इंसर्ट करने कोर्सेज, उसके लिए मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। ID को मैंने प्राइमरी की दिया है तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी। तो नए मैं यहाँ पे तकरीबन 5 कोर्सेज मैं यहाँ पे देता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं 5 पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहला कोर्स मैं यहाँ पे देता हूँ जी MySQL, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ PHP, फिर यहाँ पे देता हूँ जावा, यहाँ पे देता हूँ C++ और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जी WordPress। ये कोर्सेज मैंने दे दिए और इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ, सेव कर लेता हूँ उसको। तो कोर्सेज में देखें तो मेरे पास 5 कोर्सेज आ गए डिफरेंट किस्म के। अब मैंने क्या करना है, एक और जो है तो यूजर्स पे क्लिक करके मैंने एक और जो है तो यहाँ पे जो है तो टेबल क्रिएट करना है। ये टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट के नाम से मैंने टेबल के लिए क्रिएट कर लिया और इसका नंबर ऑफ कॉलम में देता हूँ 3 और इसको मैं यहाँ से गो पे क्लिक कर लेता हूँ। कॉलम जो होंगे मेरे पास पहला तो होगा ID के नाम से और फिर मेरे पास यहाँ पे होगा ID के बाद नेम और फिर मेरे पास यहाँ पे होगा कोर्सेज। अब देखें इस कोर्सेज वाले टेबल के साथ मैंने इस कोर्सेज को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने बेसिकली एक और कोर्सेज के नाम से यहाँ पे दे दिया इसको और इसको तो इंटीजर ही रखता हूँ और इसको मैं जो है तो यहाँ से प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके। बाकी इसको जो तो मैं वार्चर रखूंगा यहाँ पे, लेंथ इसको मैं देता हूँ 20, इसको यहाँ से इसको मैं वार्चर रख लेता हूँ, इसको लेंथ दे देता हूँ 20 और मैं यहाँ से गो पे सेव पे क्लिक करता हूँ। हाँ यहाँ से इसको जो है तो ओके तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो आगे अब मैंने यहाँ पे तो ID नेम और कोर्सेज के नाम से मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम बन गए। अब मैंने ऐसा करना है कि मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक मेरे पास आ जाता है यहाँ पे कोर्सेज के नाम से, कोर्सेज जो मेरे पास 5 कोर्सेज और 5 कोर्सेज के मैंने यहाँ पे नेम दे दिए।
और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से है और स्टूडेंट्स के नाम पे मेरे पास आईडी नेम एंड कोर्सेज है। अब इनके अंदर मैंने कुछ फील्ड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और आईडी जो मेरे पास ऑटो जनरेट होती रहेगी और नेम एंड कोर्सेज। अब बेसिकली जो मेरे पास नाम है वो मैंने यहाँ पे जो नेम दिए थे वो मैंने कोर्सेज के नेम दिए थे, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नेम देता हूँ। स्टूडेंट्स का नेम मैं देता हूँ अली, मैं 5 तकरीबन फील्ड इसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, 5 अली। और कोर्सेज अब जो है बेसिकली मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो कोर्सेज हैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कोर्सेज में मैंने जो नाम देना है वो मैंने आईडी का देना है, आईडी 1 2, क्योंकि 1 में मेरे पास MySQL है, 2 में PHP है, 3 में जावा है, 4 में C++ है और 5 में वर्डप्रेस है। तो मैं इस तरह कोर्सेज सेलेक्ट करूंगा ताकि जो 2 है फॉर एग्जांपल अली है उसने सेकंड वाला कोर्स किया तो सेकंड वाला कोर्स PHP का है। तो मैंने नेम जो देना है यहाँ पे कोर्सेज का वो इस तरह देना है, कोर्सेज में यहाँ पे देता हूँ 2 और इसके बाद हामिद, उसने कोर्स किया 1, उसके बाद आ जाते हैं उमर, इसने कोर्स किया 3, उसके बाद आ जाते हैं उस्मान, इसने कोर्स किया 5 और यहां पे आ जाता है जी वकास, इसने कोर्स नंबर किया है फॉर एग्जांपल इसने किया जी 5 तक किया, आगे 3 इसने किया जी हमारे पास 4 नंबर कोर्स। ओके, अब मैं यहां पे इसको क्या करूंगा, गो पे क्लिक करता हूं, मेरे पास यहाँ पे ये सेव हो चुके हैं। स्टूडेंट्स पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोर्सेज आ गए। अब जो कोर्सेज मेरे पास इसने किए हैं, अली ने सेकंड वाला कोर्स किया है, हामिद ने 1 किया है, उमर ने 3 किया है और उस्मान ने 5 किया है, वकास ने 4 किया। अब मैं यहाँ पे जो सिंटैक्स लिखूंगा सिंटैक्स के बारे में देखूंगा कि ये मेरे पास कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे देख एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने टाइप करना है सिंटैक्स जो मेरे पास होगा वो बेसिकली मैंने आज जो है तो जॉइन के नाम से इनर जॉइन के नाम से मैंने यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को ये क्या करें सिलेक्ट करें नेम। अब ये मेरे पास सिलेक्ट स्टूडेंट जो मैंने लिखा है ये मैंने क्या किया यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम लिखा है मैंने यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स का नेम है वो सिलेक्ट करें और उसको जो नाम दे दे वो दे दे स्टूडेंट्स नेम के नाम से एज मीन कि मैंने पहले भी आपको बताया था ऐसा क्या फंक्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है तो एक अलग से टेबल बन जाए और उसमें अलग से जो कॉलम का नेम है वो असाइन हो जाए तो उसके लिए आप एज यूज करते हैं। तो एज के लिए मैं क्या यहां पर क्या करूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट नेम कॉमा और यहां पे जो है तो उसके बाद क्या आ जाए मेरे पास कोर्सेज नेम, ये जो स्टूडेंट नेम है इसको बेरेक्सिकल में क्या करने फुल स्टॉप डाल के यहां पे इसको लेने, उसके बाद आ जाते हैं कोर्सेज नेम फुल स्टॉप डाल दिया कोर्सेज नेम में भी और इसको भी मैं करता हूं एज कोर्सेज नेम जो दे देता हूं इसको फ्रॉम किसमें से जो मेरे पास यहां पे जो टेबल है स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट से स्टूडेंट्स। अब यहां मैं सिंटैक्स यूज करना है इनर जॉइन कोर्सेज ऑन स्टूडेंट ओके। कोर्सेज इक्वल टू अब क्या करना है यहां पे मैं आपको लिख के समझाता हूं ये मैंने क्या किया। ओके तो ये मैंने यहां पे क्या किया मैं आपको समझाता हूं। अब मैंने यहाँ पे जो सिंटैक्स लिखा उसमें क्या है मैंने कहा सिलेक्ट करें स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नेम जो है तो वो सिलेक्ट करें कौन से स्टूडेंट नेम, यहाँ पे जो मेरे पास नेम आ गए थे स्टूडेंट्स में से मैं ओपन करता हूँ इसको, ये जो नेम है स्टूडेंट्स के ये मेरे पास आ जाए कि जो स्टूडेंट्स नेम है
स्टूडेंट्स के कॉलम जो है उसमें से स्टूडेंट के टेबल में से जो नेम है वो सिलेक्ट कर ली और इनको एक नया नाम दे दे स्टूडेंट्स नेम के नाम से। तो देखें जब दो कॉलम डिफरेंट आएंगे तो उसमें आपको पहले भी मैंने बताया था कि अलग अलग से जो नेम होंगे वो देने के लिए क्या करना है, हमने एक अलग से नेम के लिए हमने एज यूज करना है। तो इससे प्रीवियस लेसन आप देख लें, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ। उसके बाद क्या करें, कोर्सेज नेम को भी एक दो अलग अलग से कॉलम बनाए, एक स्टूडेंट नेम से बना ले और एक कोर्सेज नेम से बना ले, और उसमें जो है जो कोर्सेज नेम वाला होगा उसको जो नाम दे वो कोर्सेज नेम दे दे और जो स्टूडेंट्स वाला होगा उसको जो नाम दे दे वो स्टूडेंट नेम का दे दे। उसके बाद ये क्या करे कि किसमें से स्टूडेंट में से ये जो स्टूडेंट है इसमें से वो दे, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर ले, कोर्सेज को ऑन कर ले, स्टूडेंट्स और कोर्सेज इन दोनों को ऑन कर ले और जो कोर्सेज होंगे वो बेसिकली आईडी से सिलेक्ट करे। अब देखते हैं इसने कैसे काम करना है, तो उसके लिए मैं यहां से गो करता हूं। तो अब देखें, तो मैंने इसको बताया कि ये क्या करे, यहां पे देख ले, मैंने कहा स्टूडेंट नेम, अब देखें यहां पे इसने सेट नेम, नेम जो इसने सेट किया वो स्टूडेंट नेम कर दिया, दूसरा उसने कोर्सेज नेम यहां से सिलेक्ट कर लिया, देखें कोर्सेज नेम देख सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स का नाम था वो हामिद अली उमर है और इसने जो कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं हामिद ने MySQL किया हुआ है, अली ने PHP किया हुआ है, उमर ने जावा किया हुआ है और विकास ने C++, उस्मान ने वर्डप्रेस। अब ये इसने कैसे किया कि ये जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज बेसिकली इसने क्या किया, आईडी जो हमारे पास थी उस आईडी से इसने यहाँ पे चूज किया। मेरे पास यहाँ पे आईडी है 1, 2, 3, 4, 5, आईडी 1 पे मेरे पास MySQL है। तो अब इसने क्या किया, जो हामिद है, हामिद ने कौन सा कोर्स किया था, मैंने उसको दिया था 1। अब हामिद ने फॉर एग्जाम्पल 1 दिया था, तो 1 जो कोर्स का नाम है वो यहाँ पे इसने कोर्स का नाम लिया है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास इनर जॉइन का फंक्शन होता है कि आप इनर जॉइन की मदद से आप दो मुख्तलिफ किस्म के जो कॉलम है, दो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो डेटाबेस कॉलम्स होते हैं उनको आप एक की जो है तो सीक्वेंस में ला सकते हैं और उसे बाय नेम आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये फुली क्वालिफाइड नेम यूज किया था। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद आपको यहां तक समझ आया होगा कि हमने कैसे काम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो आउटर जॉइन के ऊपर और इसके अलावा लेफ्ट आउटर जॉइन के ऊपर हम काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।